मथुरा में अपर सत्र एवं न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय के द्वारा नाबालिग किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 10 वर्ष की सजा और दोनों आरोपियों पर 10,000 रुपए का अर्थदंड सुनाते हुए जेल भेज दिया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय श्रीमती पूनम पाठक जी द्वारा अभियुक्त हारिस व आकाश को 10-10 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई जी। कब की घटना, क्या घटना है, कहाँ की, कौन से क्षेत्र की घटना है? दिनांक 15/6/2015 को न्यायालय के आदेश पर थाना कोसी कला में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वादी मुकदमा का 9 वर्षीय नाबालिग पुत्र शाम को 5 बजे शौच करने के लिए गया था, जिसको काफ़ी देर तक नाने पर उसकी माँ ने उसे खूब तलाश किया। जब वो नहीं मिला तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि वो हारिस व आकाश के साथ हमने क्वार्टरों की तरफ जाते हुए देखा है। जब उसकी माँ और अन्य परिजन उसे क्वार्टरों की तरफ ढूंढने गए तो वहाँ पे पीड़ित बेहोश पड़ा था। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ। डॉक्टरों ने क्या बताया, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ में अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। किसके द्वारा? हारिस व आकाश के द्वारा। तो ये थी मथुरा से हमारे संवाददाता अनुरुद्ध शर्मा की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।